भाई जी छाबड़ा, जिनकी याद में आज हम जुड़ बैठे हैं बाबा जी के चरणों में। छाबड़ा परिवार की तरफ से बाबा जी का ओटा सा लिया गया बरसी के रूप में माता जी को याद किया जा रहा है। गुरबाणी द्वारा जो हम श्रद्धा के फूल भेंट कर रहे हैं अपनी अपनी श्रद्धा के, और हमारी तरफ से जो अरदास बाबा जी के चरणों में हो रही है, ये सबसे बड़ा फल है, पुण्य है। अब कई लोग सवाल करते हैं कि संगत में बैठ के ही अरदास क्यों की जाए, उसका महत्व है। जैसे अब हम बहुत सारे लोग बाबा जी के चरणों में जुड़ बैठे हैं, हमें से कई लोगों का मन नहीं टिक रहा है, नहीं टिकता, क्योंकि दुनिया की जो विकार है वो हावी रहते हैं। पर कईयों से हमें से कोई ऐसी आत्मा है जो बाबा के चरणों में जुड़ बैठी है। अगर एक आदमी की भी अरदास बाबा के चरणों में पूरी हो गई, परवान होगी, समझ लेना हम सब की अरदास पूरी होगी। इसलिए संगत को महानता दी है बाबा जी ने। संगत में बैठ कर के जो गाए सुने उसका जीवन सफल होता है, और संगत के द्वारा की हुई अरदास हमेशा बाबा जी के चरणों में परवान होती है। और सारे रंग मिल के माता जी को श्रद्धा के फूल भेंट करें और अरदास करें सच्चे पातशाह, माता जी को सच्चे पातशाह अपने चरणों में निवास बख्शे, आवागमन से रहित करें, और हमेशा ही अपने चरणों में माता जी को निवास बख्शे। पीछे सभी छाबड़ा परिवार को और साख संबंधियों को सभी को मान के अंदर रखे सच्चे पातशाह। हमेशा ही ये परिवार खुशियां माने और हमेशा ही सुखी जीवन व्यतीत करें। जो इनका कारोबार है, कॉलेज है, और जो बच्चे लोग इधर पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनका भी सच्चे पातशाह भला करे, चंगी सिखिया, अच्छी पढ़ाई दान सभी बच्चों की जोड़ी में सच्चे पातशाह पाए, और ताकि बच्चे जीवन में बड़े होकर के इस स्कूल का, कॉलेज का नाम रोशन करे। ये मेरी अरदास बाबा जी के चरणों में है। और सारे रंग मिल के माता जी को इस शब्द द्वारा सदा के फूल भेंट करें। देखो सज्जन जो वैसा ही बस्यों जो वैसा ही बस्यों जो हुए साहिब सियों में